आसन, आसन का जो मतलब होता है स्थिरता। आसन में बॉडी को ज्यादा देर तक स्थिर किया जाता है जिससे मन धीरे धीरे स्थिर होने लगे। आसन बेसिकली स्पाइन बेस्ड होते हैं। आसन का जो पर्पज है वो ये है कि आप अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, आपका माइंड आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बार बार आए। न तो वो साइंटिफिक लैंग्वेज में देखा जाए तो न तो वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में ज्यादा रहे और न ही पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में ज्यादा रहे। तो इसीलिए जो राजयोग में, अष्टांग योग में जितने भी आसन बताए गए वो बैठने वाले आसन बताए गए, जैसे पद्मासन हो गया, सिद्धासन हो गया। हठ योग में तो भिन्न भिन्न प्रकार के आसन बताए गए, लेकिन राजयोग में कुछ विशेष आसन बताए गए जो ध्यानात्मक, जैसे आप ऐसे बैठे। तो इस आसन में क्या होता है, इस आसन में आप सीधे ही बैठे तो आप थोड़ी देर में आपकी स्पाइन में दर्द होने लगेगा। अब स्पाइन में दर्द होने का क्या मतलब है, स्पाइन में दर्द होने का मतलब है कि आपका माइंड आपके स्पाइनल कॉर्ड पे आ गया, ठीक है ना। सामान्य लोग उस दर्द को सोचते हैं कि ये खराब है, एक्चुअली वो दर्द बहुत सही मायने में अच्छा माना जाता है योग में, हठ योग में, क्योंकि माइंड आपके मिडिल पे आ गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, स्पाइन के बीच में आ गया ना, स्पाइन में दर्द हो रहा है। जब स्पाइन में दर्द होने लगता है, माइंड उसमें आता है, तो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम ज्यादा जागृत हो जाता है, जिसको हम सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। इसीलिए हमारा मध्य भाग, हम मध्य भाग की ओर ज्यादा चले जाते हैं और हमारी कॉन्सियसनेस मध्य भाग की ओर होती है और हमारा स्वास्थ्य मिलने लगता है, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे ही स्वास्थ्य हो सकता है। जैसे एक्सरसाइज वाले ज्यादा लोग होते हैं, जो बहुत एक्सरसाइज प्रोन होते हैं, उनको उनका जो नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, बहुत हाइपर हो जाते हैं, नोट करो, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे ज्यादा नहीं रहते, वो तो सोते हैं तभी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे आ पाते हैं, लेकिन कुछ दिनों में वो इतने हाइपर हो जाते हैं कि सोने पे भी वो सिंपैथेटिक सेंट्रल पे नहीं आ पाते, सोने में भी वो हाइपर होते हैं, मूवमेंट करने लगते हैं। जितने हाइपर लोग होते हैं सब कहानी है। जो आर्टिस्टिक लोग होते हैं, जो बहुत कला वाले होते हैं, म्यूजिक वाले लोग होते हैं, जो राइट ब्रेन डोमिनेटेड होते हैं, वो पैरासिंपैथेटिक होते हैं, वो थिंकर, थिंकिंग कैपेसिटी उनके पास होती है, तो वो हर एक चीज को थिंक करते हैं, डीप थिंकिंग में जाते हैं। तो होता क्या है कि वो एक्सरसाइज ज्यादा नहीं कर पाते, तो इसलिए वो पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पर होते हैं, तो वो ठंडी प्रकृति के लोग होते हैं। अब देखो ये दोनों गलत है। ज्यादा एक्सेस डोमिनेशन, चाहे वो पैरासिंपैथेटिक हो, चाहे वो डीप थिंकिंग हो, चाहे वो बहुत हाइपर वाले हो, दोनों गलत है, क्योंकि दोनों में स्वास्थ्य नहीं। स्वास्थ्य कहाँ है, बीच में। जैसे तराजू होती है, तराजू को बीच में, जब आप बीच वाले सेंटर पे आते हैं तभी वो दोनों बैलेंस होता है, एक तरफ झुका नहीं रहेगा वो। या तो वो आपकी लाइफ क्या है कि या तो पैरासिंपैथेटिक की तरफ झुका होता है या तो सिंपैथेटिक की तरफ झुका होता है, बैलेंस नहीं होता। स्वास्थ्य का मतलब हठ योगियों ने बैलेंस कहा, स्वास्थ्य का मतलब होता है बैलेंस। इसीलिए उन्होंने बैठने पे जोर दिया कि स्थिर हो जाओ। स्थिर होने पर स्पाइन में दर्द होना स्वाभाविक सी बात है। अब दूसरा प्राणायाम, जब आपकी स्थिरता बढ़ जाती है, स्पाइन में दर्द हो जाता है, दर्द आ जाता है एक लेवल पर, तो अब उसमें प्राण का संचार करने की जरूरत है, क्योंकि उसकी डिमांड है ऑक्सीजन ज्यादा। जैसे आप दौड़ते हो तो दौड़ने पे डिमांड सबसे ज्यादा क्या बढ़ती है, ऑक्सीजन की बढ़ती है। भाई ऑक्सीजन ही तो, हाँफते हो ना आप, इसका मतलब कि ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ रही है। अब आपकी स्पाइन में अगर दर्द है तो इसका मतलब कि जहां पर दर्द है वहां पे ऑक्सीजन की नीड बढ़ रही है, बढ़नी चाहिए, वो डिमांड कर रहा है।
वो स्थान डिमांड कर रहा है कि हमारे अंदर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाया जाए। जब अब इसी समय प्राणायाम का महत्व आ गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। अब लोग प्राणायाम में करते क्या है, कहीं वो कपालभाति मारने लगे तो कहीं वो भस्त्रिका दबाने लगे तो कहीं वो सूर्य नाड़ी तो कहीं चंद्र नाड़ी, मतलब ये सब बकवासबाजी होने, कहीं ओम प्राणायाम, ओम प्राणायाम में भी बड़े गजब गजब के लोग हैं, कहीं वो नाभि से ऊपर उठा रहे हैं तो कहीं वो उससे मूलाधार से ऊपर उठा रहे हैं, मतलब अजीब अजीब की हरकतें होती हैं जो कि पुस्तकों में बहुत लिखी हुई होती हैं, तो उसको ही वो फॉलो करते हैं। कह रहे हैं क्या, पर अगर स्पाइन में, अगर आप अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारी जरूरत होती है भस्त्रिका की। जैसे आप दौड़ते हैं तो आप ऑटोमेटिकली भस्त्रिका कर रहे होते हैं, दौड़ने में भस्त्रिका ही होती है और कुछ नहीं होता। तो आपकी स्पाइन में जब स्ट्रेस आ जाता है तो आप अगर भस्त्रिका करने लगें तो इसका मतलब अपर बैक, जो अपर बैक है आपकी पीठ जिसको कहते हैं, पीठ के हिस्से को आप खींच रहे हो, पीठ के हिस्से को खींच करके आप पूरी स्पाइन में अपनी प्राण के संचार को बढ़ा रहे होते हैं, और उतने में ही ब्रेन ना पूरी तरह से फुली चार्ज हो जाता है। ये वार्म अप है, स्पाइनल कॉर्ड की, ब्रेन की वार्म अप हो गई प्राणायाम के थ्रू। इसके बाद आपको ये चुनना होता है कि आपका स्वभाव क्या है, स्वभाव के अनुरूप आपको प्राणायाम करना होता है, उसी के अनुसार डिजाइन किया जाता है कि कौन कौन से आपको प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम में जनरली ओम प्राणायाम को भी लोगों ने ऐड कर दिया, पर ओम प्राणायाम नहीं होता, ओम को ध्वनि विज्ञान में जोड़ा जाता है। ओम और भ्रामरी ये ध्वनि विज्ञान से संबंधित है। प्राणायाम में प्राण पर, सांस पर ज्यादा फोकस करते हो, और जैसे उसमें है भ्रामरी और ओम में है, उसमें ध्वनि पर ज्यादा फोकस करते हो, आप ध्वनि पर ध्यान केंद्रित करते हो, उसमें आप उस पर नहीं करते, उस पर सांस पर, समझ रहे ना, वो सांस की गति उस पर नहीं ध्यान दी जाती, उस पर आप ध्वनि पर केंद्रित करते हो। तो ध्वनि के माध्यम से आप अपने मस्तिष्क के अंदर सेल्स को, कोशिकाओं को खोलने